नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कल से नवरात्रि है और सबको घर में पूजा करना है, तो जैसा मैंने बताया था वैसे ही मैं आज आप लोगों को दुर्गा पूजा का विधि बताऊंगा। ये वो पूजा है जो आपको घर में करना है। आपके पास अगर भगवती की मूर्ति है या फिर फोटो है तो उसकी आप सेवा 9 दिन करें, तो उसका विधि मैं आपको आज बताऊंगा। ये विधि जो है ये अघोर विधि नहीं है, ये गृहस्थ विधि है जो सनातन धर्म से आया है। तो इसका एक अपना एक आडंबर होता है, एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। हम लोगों का क्या है, एक दिया जलाया, एक यंत्र के सामने बैठ गए जाप करने, उसका हवन किया, हो गया पूजा। लेकिन अगर घर में पूजा करना है तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जब आप बैठे अपने मंदिर में तो खुद को पवित्र करें, हाथ में जल लें और उसके बाद अपने सर पर जल छींटें और जो मंत्र है ओम अपवित्रो पवित्रो वा, वो पूरा जाप करके पूरा पढ़ के अपने ऊपर जल छींट लें। उसके बाद तिलक लगाएं, ठीक है। तिलक के बाद आचमन करें। आचमन का मंत्र होता है ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 4 बार आचमन कर लीजिएगा। इसके बाद संकल्प कीजिएगा कि मैं इस स्थान पर इस प्रयोजन से 9 दिन का पाठ और पूजा शुरू किया हूँ, आज का मैं पूजा आपको दे रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके जल 1 सिक्का और थोड़ा अक्षत भगवती के सामने गिरा दीजिएगा। उसके बाद भगवती का आवाहन कीजिएगा, आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चत्र स्थिता भवः, यत्र पूज्यं करिष्यामि तत्र त्वं स्निग्धो भवः, ऐसा बोल करके भगवती को आप बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा श्री जगदम्बे दुर्गा देवी दुर्गा नमः, आवाहनयामि, आवाहन अर्थे पुष्पांजलि समर्पयामि, और भगवती के सामने एक पुष्प रख दीजिएगा। उसके बाद भगवती को आसन दीजिएगा, ओम सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वातो सातिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः, आसन अर्थे पुष्पानि समर्पयामि, और एक फूल और दीजिएगा। उसके बाद फिर पाद पैर श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, तो जल पे जल जो है उनके पैरों पे दीजिएगा, अर्घ दीजिएगा। अर्घ क्या होता है, जो अर्घ एक चम्मच के आकार का एक बर्तन होता है, उसमें चंदन पुष्प अक्षत और जल डालिएगा। उसके बाद उसको भगवती के सामने रखिएगा, जिस तरह उसका नोकीला मुख होता है उसको देवी के तरफ करके रखिएगा और बोलिएगा श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः हस्तयो अर्घया समर्पयामि ही। फिर आचमन दीजिएगा, मतलब साफ करने के लिए। तो आचमन का क्या मंत्र होता है, श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः आचमनम समर्पयामि ही। तो आचमन में क्या दिया जाता है, जल में कपूर मिला के देते हैं। फिर स्नान, भगवती को स्नान देंगे। अच्छा, ये जो आप देंगे, जो सामने आपने पुष्प रखा जल उस पर दीजिएगा, ना फोटो पे दीजिएगा ना मूर्ति पे दीजिएगा, ठीक है। तो स्नान में क्या करना है, जल लेना है, गंगा जल, श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः स्नानार्थम जलम समर्पयामि, ठीक है। गंगा जल से स्नान के बाद सिर्फ पानी से आप स्नान कराएंगे, स्नान गंगे आचमनम स्नानार्थे पुण्य आचमन्यम जलम समर्पयामि, और शुद्ध जल आप भगवती के जो फूल आपने समर्पित किया है उसके ऊपर डालिएगा। उसके बाद दुग्ध स्नान होगा, दुग्ध स्नान मतलब दूध से स्नान, श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः दुग्ध स्नानम समर्पयामि, 1 चम्मच दूध। फिर दही स्नानम श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः दही स्नानम समर्पयामि, घृत स्नान घी से स्नान, ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः घृतम स्नानम समर्पयामि। फिर मधु स्नान श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः मधु स्नानम समर्पयामि। शक्कर से स्नान श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः शक्रम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान, पंचामृत में क्या क्या होगा, पंचामृत में दूध दही दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, मधु दे सकते हैं, गंगा जल दे सकते हैं, ये सबसे ईजिएस्ट वे है पंचामृत का, ठीक है। उसमें भी मंत्र वही रहेगा, श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। उसके बाद गंडधोक,
चंदन और अग्रु मिला करके गंडधोक बनता है। तो श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः गंडधोकम समर्पयामि, इसमें चंदन और अग्रु मिला करके दीजिएगा। फिर शुद्धोक स्नान, मतलब शुद्ध पानी से, गंगा जल से फिर से उसी मंत्र से शुद्धोक स्नानम श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः शुद्धोक स्नानम समर्पयामि। उसके बाद फिर से अंत में आचमन दीजिएगा। आचमन के लिए वही कपूर और जल का जो मिश्रण है, शुद्धोक स्नानार्थे आचमन्यम जलम समर्पयामि, इतना कर लिया। उसके बाद आप जो है भगवती को वस्त्र दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः वस्तो पवस्त्रम समर्पयामि ही। उसके बाद सौभाग्य सूत्र दीजिएगा। आप ये मांगिएगा तो आपको पूजा दुकान में मिल जाएगा। तो श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि, चंदन दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः चंदनम समर्पयामि, हरिद्र चूर्ण दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः हरिद्र चूर्णम समर्पयामि, कुमकुम दीजिएगा भगवती को। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः कुमकुमम समर्पयामि, सिंदूर दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः सिंदूरम समर्पयामि, काजल अर्पण कीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः काजलम समर्पयामि, दुर्वाक्षत दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः ध्रुव कुरुरान समर्पयामि ही, बिल्व पत्र दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः बिल्व पत्रम समर्पयामि, आभूषण में कुछ दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः आभूषणम समर्पयामि। उसके बाद पुष्पमाला माँ के तस्वीर पर, या फिर वो जो एक पुष्प पहले जिसको आप पूज रहे हैं उस पर आप डाल सकते हैं। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः पुष्पमाला समर्पयामि, नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि, कुछ ऐसे आप द्रव्य दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः द्रव्यम समर्पयामि, सौभाग्य पत्रिका, ये पूजा दुकान में आपको मिलेगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः सौभाग्य पत्रिका समर्पयामि, धूप श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः धूपम गृहयापामि, दीप दिखाइएगा उसके बाद माँ को। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः दीपम दृश्यामि ही, फिर नवेद चढ़ाइएगा। जितने तरह का नवेद आपने रखा है सामने, सब पे एक एक करके हाथ लगाइएगा और बोलिएगा श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः नैवेद्यम समर्पयामि। फिर ऋतुफल चढ़ाइएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः ऋतुफलम समर्पयामि, जम्बूफल चढ़ाइएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः जम्बूफलम समर्पयामि। अंत में दक्षिणा दीजिएगा। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः दक्षिणाम समर्पयामि, इतना करके फिर खड़े हो जाइएगा। और जो आपका पूजा स्थल है उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करिएगा लेफ्ट टू राइट चार बार, ठीक है। उसके बाद फिर मंत्र पुष्पांजलि करिएगा। प्रदक्षिणा करने के बाद श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, उसमें जो वो मंत्र है ओम यज्ञेन यज्ञ जंतः, उस मंत्र से आप मंत्र पुष्पांजलि करिएगा। मंत्र पुष्पांजलि में एक मंत्र का और प्रयोग होता है, वो है ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ओम नाना सुगंधा पुष्पानी ऋतुकला भवने भवेन च पुष्पांजलि समर्पयामि। ये मतलब इसमें कुछ कुछ मैंने वर्ड्स को हटा दिया है, क्योंकि वो वर्ड आप यूज़ करोगे तो वो वस्तुएँ आपको देनी पड़ेंगी, वो आज मिलती नहीं है। उसके बाद नमस्कार कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः विद्या रूपेण संस्था नमस्ते। मतलब आप जिस भी रूप में आप पूजा कर रहे हो, जिस शक्ति के लिए आप पूजा कर रहे हो, उनका नाम लेकर के आप नमस्कार करिएगा। जैसे मैं पूजा करता हूँ तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। उसके बाद क्षमा याचना कीजिएगा। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम। और लास्ट में अर्पण कीजिएगा ओम तत्सत ब्रह्मापनास्तुः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इतना जब आपने कर लिया, इसके बाद आप अधिकृत हैं भगवती का आगे पूजा करने के लिए। तो आगे पूजा के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही मतलब पूरा सिखा रखा है कि कैसे आगे पूजा करना है। तो अगर आप चंडी पाठ कर रहे हैं तो कुंजिका स्त्रोत्र खोलिए, उसके बाद शुरू हो जाइए। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत्रमुत्तमम येन मंत्रोहं चंडी जापो शुभो भवेत्। न कवचम नारकला स्त्रोत्रम कीलकम न रसकम न सूक्तम न पिध्यानम चन्नन्यास न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभेत। अति गुह्यतरम देवी देवनामापि दुर्लभम गोपनीयम प्रणते सौ युनिरिव पार्वती मारणम मोहनम वंशयम स्तम्भनोचाटनादिकम पाठ मात्रे संसिद्यते कुंजिका स्त्रोत्रमुत्तमम। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश, मुझसे बात करना है कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करिए और फिर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास है।
बहुत अच्छे से बात से बात कहते हैं। आदेश 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 आदे